क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो सोच गलत दिशा में जा रही है और आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको हम राइट बिलीफ में बदलने के लिए ये सारा कार्यक्रम करते हैं कि हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम है एक अच्छा इंसान बनाने का कार्यक्रम है। और जब व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनता है तो वो हजारों लाखों अच्छे इंसान बनाता है और धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर इंसानियत के गुण पैदा होते हैं और इंसान अच्छे बनते जाएंगे तो धीरे धीरे सारी सृष्टि और 7 अरब की जनसंख्या एक अच्छी बन जाएगी। और वास्तव में जो हमारे ऋषि पुरुषों ने जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी है वो अवधारणा साकार हो जाएगी। ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। अलग हर एपिसोड में अलग अलग नया विषय होता है। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं, वह है कि कामना त्याग, सच्चा त्याग। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि जो लोग इच्छा करते हैं वो इच्छा है दूसरी इच्छा को जन्म देती है, एक तृष्णा दूसरी तृष्णा को जन्म देती है और ये आगे से आगे बढ़ती जाती है और ये बहुत बढ़ते बढ़ते इसका द्रौपदी का चीर हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाल, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। जो व्यक्ति कामना के क्षेत्र में चला जाता है वो कामना करता रहता है। जैसे कि लोभी होता है वो पूरे जीवन भर धन का संचय करता रहता है, विषयी व्यक्ति होता है उसको विषय के अंदर ही इंटरेस्ट आता है और विषय के अंदर इतना गहरा बैठ जाता है कि अपना जीवन बर्बाद कर देता है। हमारे जब ये खुजली होती है तो ये चर्म रोग ऐसा होता है कि उस जगह को खुजलाने में चाहे खून आ जावे तो भी जो है हमको आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि ये एक चर्म रोग ही ऐसा होता है कि व्यक्ति खुजलाता रहता है। तो ये एक तरह से अवगुण है। और कामना जितनी भी, मनुष्य सबसे ज़्यादा जीवन में दुखी क्यों होता है, वो कामना के कारण होता है, इच्छा के कारण होता है और जो है नई नई जो है वह आकांक्षाएं बनाता रहता है और नई नई जो है जीवन के अंदर तृष्णाएं बनाता रहता है, उसके कारण दुखी रहता है। तो वास्तव के अंदर मनुष्य जीवन के अंदर जो दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वह जो है कामना है। और कामना स्वयं बनाना अपने आप के अंदर ज्ञान है, क्योंकि हमें तो इस जीवन में आए हैं तो हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन कामना जो इसका फल है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी है, हमें तो अपना सही दिशा के अंदर कर्म करना है और हमारी दिशा सही होगी तो उसके रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छे मिलेंगे। निष्काम कर्म की जो भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर थ्योरी दी है वो ये कि व्यक्ति जो है हर क्षण कर्म करता है और हम रात को जब सोते हैं तब भी जो हमारा शरीर तो सो जाता है लेकिन हमारा मन है उस वक्त भी चिंतन करता रहता है, उस वक्त भी सपना देखता रहता है। यानी मनुष्य के जीवन के अंदर ऐसा कोई क्षण नहीं आता है कि वो कर्म नहीं करता है, और ये कर्म तो वो पीछे से लेकर के आया है और जीवन भर उसको करना पड़ेगा। लेकिन कर्म करते करते हमारा जो है सिद्धांत क्या होना चाहिए, हमारी जो है हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि कर्म तो करते रहो लेकिन जो है फल की इच्छा नहीं करना, क्योंकि फल की इच्छा हम करते हैं तो हमारी कामना हो जाती है और फल की इच्छा के अनुरूप अगर हमारे को रिजल्ट नहीं मिला तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और बहुत से लोग तो ऐसी चीज़ों लेकर के सुसाइड तक कर अपनी आत्मलीला को भी, जीवन की लीला को भी समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए भाई और बहनों, हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा आदमी दुखी है
वो कामना के कारण दुखी है, आदमी इच्छाओं के कारण दुखी है, और आदमी जो है वो अपनी अलग अलग एम्बिशंस बनाता है उसी कारण दुखी है। लेकिन अगर एम्बिशन न बने और केवल कर्म करता रहे, केवल निष्काम कर्म करता रहे, उसको कोई दुख नहीं हो सकता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कामना त्याग सच्चा त्याग है। देखिए, हम यहाँ थोड़ी परिग्रह की बात करें कि ये हमारी जितना भी साधन मात्र है, धन है, दौलत है, परिवार है, और जो है हमारा जितना भी जो गाड़ी है, और उसके बाद के अंदर हमारा धन है, बैंक है, बैलेंस है, ये सारी चीज़ हमारे साधन है, ये हमारा साध्य नहीं है। और ये साधन जो है, ये जीवन को यापन करने के लिए साधन जरूरी है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, इनकी पूर्ति करने के लिए व्यक्ति जो आमदनी करता है और बहुत से साधन जो है वो अपनाता, ये सारे जो है हमारे साधन है। तो हम भगवान महावीर ने कहा कि जो वस्तु है, ये जो साधन है, ये परिग्रह नहीं है। तो परिग्रह क्या है? परिग्रह उसके प्रति आसक्ति है, उसके प्रति तृष्णा है, उसके प्रति व्यक्ति की कामना है, जो आज हमारा विषय है कि वो कामना ही जो है वो दुख का कारण है। उस कामना का त्याग ही सच्चा त्याग है। आप जो है, आपके पुण्योदय से आपके पास में अरबों रुपए आ रहे हैं तो ये आपका पुण्योदय है, आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो है आपका उसके प्रति जो है नज़रिया क्या होना चाहिए? आपका ये नज़रिया होना चाहिए कि मेरी जो जितनी नीड है मेरी और परिवार की, तो वो तो मुझे पूर्ति करनी है, और वो पूर्ति करने के लिए समाज ने अलाउ किया है, भगवान ने अलाउ किया, हमारे धर्म ने अलाउ किया है। लेकिन जो ग्रीड का हिस्सा है, वो हिस्सा जो है हमारी कामना का है, वो हिस्सा जो है ग्रीड क्या है? यही तो तृष्णा है, यही तो कामना है, यही तो आसक्ति है, यही तो इच्छा है। तो ये जब होती है तो व्यक्ति उससे लुप्त होकर के उसके मुंह में पड़ करके और वह उसका संचय करता रहता है, संग्रह करता रहता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, कामना है, इच्छा है, वह जो है वह मूर्छा है, वह नहीं होनी चाहिए, वो परिग्रह नहीं है। उसके प्रति जो मूर्छा है वो परिग्रह ही है, वो ही परिग्रह है। तो इसीलिए आज का हमारा विषय है कि कामना का त्याग सच्चा त्याग है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप उस विषय और वस्तु के प्रति जो आसक्ति है उसको त्यागिए। और जो लोग त्यागते हैं उनके लिए क्या कहा गया है? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। बड़े बड़े पहुँचे हुए साधु संत होते हैं, वो शहंशाह होते हैं, और उनके चरणों में अरबपति, कुबेरपति, बड़े नेता, राष्ट्रपति और क्या प्रधानमंत्री, कुछ भी कहिए, बड़े बड़े लोग उनके चरणों के अंदर झुकते हैं, क्योंकि ये उनके त्याग को नमन है, ये उनके गुणों को नमन है, ये उनकी भक्ति को नमन है, ये उनके ईश्वरत्व को नमन है। तो हम जो नमन करते हैं वो गुणों को करते हैं, हम त्याग को, उन्होंने कंचन कामनी का त्याग कर दिया, उन्होंने कामना का त्याग कर दिया है। तो जो कामना का त्यागी होता है वही वास्तव के अंदर सच्चा साधु होता है, और वही वंदनीय, स्तुतीय और वो ग्रहणीय होता है। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड से ये शिक्षा लें कि हमें कामना का त्याग करना चाहिए, वही सच्चा त्याग है। आप कर्म करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कर्म के अनुरूप ही सब मिलता। अगर वास्तव के अंदर आप जो अल्टीमेट ट्रुथ की बात करना चाहते हो, सनातन सत्य की बात करना जानना चाहते हो, कुदरत के कानून, कुदरती रचना और कुदरत को जानना चाहते हो, तो वास्तव के अंदर सनातन सत्य क्या है कि ये जो शरीर मिला है वो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। पिछले जन्म में जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा ने जैसे जैसे कॉजेज डाले थे, जैसे जैसा चार्जिंग किया था, जैसा जैसा राग द्वेष के साथ जुड़ा था, और तो उसके अनुरूप जो है कर्म बीज पड़े थे कॉजेज के अनुरूप, और कॉजल बॉडी जो है भीतर विराजमान है, कॉजल बॉडी बढ़ा क्योंकि हमने कामना करने से कॉजल बॉडी बढ़ती है,
और उसके साथ साथ में कामना का त्याग करने से निर्जरा होती है, अनाशक्ति होती है, और वो निर्जरा से जो है हमारी कॉजल बॉडी घटती है। तो हम ये देखते हैं कि वास्तव के अंदर ये सारा जो होता है ये कामना की वजह से ही होता है, अटैचमेंट के लिए वजह से होता है, और ये अटैचमेंट है वो सारा मैं और मेरा है, और मैं और मेरा से ही संसार जो है वह बंधा हुआ है। संसार को बांधने वाला कोई नहीं है, वो मैं और मेरा है, और मैं और मेरा है वही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो हम ये कह सकते हैं कामना करना है वास्तव के अंदर बहुत बड़ा जो है अज्ञान है। और वैसे भी जो हमारा ये जीवन है, ये तो जीवन जो है हम पीछे से लेके आए हैं, हम जो नहीं चाहेंगे तो भी मिलेगा और चाहेंगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा पुण्य और पाप का जितना उदय है, जितना प्रारब्ध है, उसके अनुरूप ही हमें मिलने वाला है। उसके अलावा जो है हमें जो है एक सुई तक भी नहीं मिलने वाली है, और हम उसमें परतंत्र नहीं हैं। जितना हम आयुष्य लेके आए हैं और उतने लिमिटेड सांस से ही हम जी पाएंगे, एक भी सांस अधिक लेने की जो है हमारे भीतर स्वतंत्रता नहीं है। तो हमें जो मुख्य आज हमारा विषय है कि कामना त्याग सच्चा त्याग है। तो वास्तव में सच्चे त्यागी करना चाहते हो तो आप कामना का विसर्जन करो, और क्रोध अहंकार माया लोभ है राग द्वेष है यह भी एक कामना है, इसका भी जो है वो तिरस्कार करना चाहिए, इसको भी छोड़ना चाहिए। और यही जो है कषाय है, वो कॉजल बॉडी है। जब ये कॉजल बॉडी जो है तप करके और सारा जो है झड़ करके, जिसको हम निर्जरा कहते हैं, जब ये शून्य हो जाती है तब हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और वो अनुभव इतना बड़ा हो जाता है कि धीरे धीरे केवल ज्ञान होकर के हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा जो ये विषय जो है कामना त्याग सच्चा त्याग है, बहुत ही सुंदर विषय है। और कामना का त्याग कब होता है कि हम निष्काम करने लग जाते हैं, हम फल की इच्छा नहीं देखते हैं, और जो जो कार्य कर रहे हैं उसको हम जो है भावक क्रिया से करें, उसको वर्तमान में जी करके किया जाए। क्योंकि जब हम भूत और भविष्य में चले जाते हैं तो उस वस्तु के प्रति जो है, उस विषय के प्रति जो है राग और द्वेष हो जाता है, और ये राग द्वेष है यही अशुद्धता है, यही कामना है, और ये इसका हमें त्याग किया जाना चाहिए। कि मतलब मैं जीवन के अंदर राग द्वेष को प्रशय नहीं दूंगा, और राग द्वेष तो इसमें भरा पड़ा है, ये अपना कार्य कर रहा है तो इसको करने दो, वो तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये अपना कर रहा है तो उसको करते, हमें तो हम पुरुष हैं, अपने पुरुषार्थ के अंदर रहना चाहिए। पुरुषार्थ ये अपने स्वभाव में रमण करो, ये इसका स्वभाव है भुगतने का, ये भुगतता रहेगा, और ये मैं नहीं हूँ, मैं तो इससे अलग हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और ये शरीर जो है वह पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और वो नाशवान है। तो हमारा इसके अंदर आत्मा की प्रेजेंस है, तो यही जो सारी जो है करवा रही है। तो हमारा जो विषय है उसकी हम बात करते हैं कि कामना त्याग है सच्चा त्याग है। भाई और बहनों, आप देखिए कि पूरे जीवन के अंदर व्यक्ति को दुख क्यों होता है। दुख होने का काम मतलब ये है कि उसकी अच्छी या बुरी भावना है। जैसे देखिए कोई व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग वाला है तो वह हमेशा ये आर ध्यान करता रहेगा कि मेरा तो एक मंजिले का मकान है, और पास वाला जो मेरा पड़ोसी है उसने 5 मंजिले बना ली है और उसके अंदर आराम से रह रहा है, तो इससे जो है उसके प्रति जो है उसकी भावना नेगेटिव हो जाएगी। और उसकी जब नेगेटिव भावना होती है तो नेगेटिव भावना करने वाले का जो है धीरे धीरे जो है हराश होने लगता है, धीरे धीरे वो गिरने लगता है, क्योंकि वह अपने पुण्योदय के साथ साथ में पापों का भी जो कार्य कर रहा है। और जितना जितना आपका पुण्योदय है और पाप के कार्य करते हैं तो ये पुण्य धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, पापकारी प्रवृत्तियों के अंदर पुण्य क्षीण होता है। तो हम बात कर रहे थे कामना त्याग की, और ये कामना में कंचन और कामिनी ये दो बड़े बड़ी चीज़ें हैं, इनका अवश्य त्याग करना चाहिए। अगर व्यक्ति साधु का जीवन जीना चाहता है, संतता जीवन जीना चाहता है, तो कंचन और कामिनी से दूर रहे, और कंचन और कामिनी से दूर रहने का अपने आप ये अर्थ हो जाता है कि हमने जो है वह अपने कामना त्याग किया है।
और कामना त्याग है वो वास्तव के अंदर सुख का त्याग होता है, उसको दार्शनिक भाषा के अंदर हम जो है प्रत्याख्यान कहते हैं। देखिए सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान चार शुद्धिकरण के रास्ते हैं। सामायिक होता है वो समता की साधना होती है। समता का अर्थ होता है हम हर प्राणी के साथ के अंदर वो उनको उसको आत्मपम्य दृष्टि से देखें, उसको आत्मतुलावत देखें और उसका चिंतन करें कि 84 लाख जीवायु ने प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। उसमें वही भगवान है जो मेरे में है, आप में, राम में और कृष्ण में, और हरेक जो है भगवान बनने की आत्मा क्षमता रखता है, इसलिए नमन करते हैं। क्योंकि हम उसके मूल आत्मा की बात करें तो मूल आत्मा के सबके गुण हैं वो एक से ही होते हैं। 8 गुण होते हैं मूल आत्मा के, सिद्ध भगवान के, जो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं वो सारे एक से ही होते हैं, और उसका चिंतन करना है यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। तो भाई और बहनों, कामना त्याग सच्चा त्याग है। हम इसके बारे में एक उदाहरण बताना चाहते हैं कि एक जो है स्त्री और पुरुष का जोड़ा, दोनों बहुत साधक थे, आगे बढ़ रहे थे। तो आगे बढ़ते बढ़ते जो मनुष्य था, साधक था, उसने देखा कि कोई सोने का जो हार पड़ा है, तो सोने के हार के ऊपर जो है उन्होंने मिट्टी डाल दी। मिट्टी इसलिए डाली कि पीछे उसकी पत्नी आ रही है, कहीं वो पत्नी का मन न डिगडिगा जाए और उसकी तरफ वो लुब्ध नहीं हो जाए और वो ले नहीं ले। तो उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था, उसकी पत्नी ने देख लिया, तो वो दोनों आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के बाद के अंदर जो है वो उसकी पत्नी ने जो है कहा कि आप क्या कर रहे थे, मैं तो उसके ऊपर जो है रेत डाल रहा था। तो उन्होंने कहा कि रेत पर रेत डाल रहे हो, इसका मतलब ये है वो पहुंची हुई शादी का थी कि उसने कहा कि हमको तो कामना करनी नहीं है, हमारे लिए तो ये जो हार है वो भी रेत है और रेत जो ऊपर डाल रहे हो वो भी रेत है। आप ऊपर इसीलिए डाल रहे हो कि अभी आपकी कामना का त्याग हुआ नहीं है, और कामना का त्याग तब होता है कि उस चीज़ के प्रति जो है हमारी कोई रुचि नहीं होती है, उसको प्राप्त करने की हमारी उत्कंठा नहीं होती है, हमारी इच्छा नहीं होती है, और हम जो जीवन जो यापन करते हैं एक कामना पूरी होने के बाद दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी होने के बाद में तीसरी खड़ी हो जाती है, और ये तो कामनाएं तो खड़ी होती रहेगी, लेकिन हमारे को जो है अपना अच्छा जीवन जीना, अच्छा साधक रूप में जीवन जीना है, अच्छे इंसान के रूप में जीना है, तो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त जो है हमें और साधना, हमें जो है और कामना नहीं की जानी चाहिए। और वैसे जो है व्यक्ति को कोई भी चीज़ मिलनी होती है तो बिना कामना किए ही वो व्यक्ति जो है वो वस्तु है वो समय आने पर अपने आप मिल जाती है। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि कामना का त्याग करो। आपके जो भीतर जो लुभावना भाव है, आसक्ति है, उसको जो है कम किया जाना चाहिए, और ज्यों ज्यों आसक्ति की निर्मलता हो जाएगी अनाशक्ति डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आसक्ति की प्रतिरोधात्मक शक्ति है अनाशक्ति, और अनाशक्ति आने का अर्थ होता है हम वैराग्य के अंदर चला जाता है, और वैरागी व्यक्ति होता है वास्तव में वो अच्छा इंसान होता है, क्योंकि वैरागी लोगों के लिए कहा गया है कि वन वर्ल्ड वन स्काई एंड वन वन इसका वन वर्ड वन वन लैंग्वेज एंड वन रिलीजन, दैट रिलीजन इज द मानव धर्म। तो जो हमारा रिलीजन है वो मानव धर्म, यानी जितने भी हम 7 अरब की जनसंख्या वाले इंसान हैं, जो कि उनका सबका खून निकालो तो हम सबका खून एक जैसा सफ़ेद दिखाई देगा, तो हम एक जैसा जो हमें लाल व खून दिखाई देगा। तो इसलिए भाई और बहनों, हमें जो है ये भूलना नहीं है कि हमारा जो हमारी जो कामना है उस कामना पर अंकुश करें, और कामना पर अंकुश करने का एक और सुंदर उपक्रम है कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श दर्शन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, ये 5 इंद्रियां हर वक्त जो है बाहर डोलती रहती है और विषय ला करके वो कर्मों के ऊपर जो है वो डाल देती है, और वो कर्म बढ़ते जाते हैं। तो हर वर्ष जो है ये कर्मों का पुलिंदा कॉजल बॉडी है, कार्बन शरीर है, बढ़ता ही रहता है, तो हमें उसको घटाना है, क्योंकि मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि वो सबसे ज़्यादा जो है कर्म शरीर की धुनाई कर सकता है, उसको धो सकता है। तो उसके लिए हमें कामना को त्याग करना होगा, और जब हम कामना को त्याग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वह अपने निज स्वरूप के अंदर आ जाएगा, और निज स्वरूप में खूब रहने का जो है
अभ्यास करेगा, अपने स्वरूप में रमण करना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ जो है हर चिंतनशील प्राणी को किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, आज का हम विषय जो है वापस आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो है वो हमारी कामना का त्याग सच्चा त्याग है। कई बार क्या होता है कि हम दूसरे व्यक्ति की जो कोई भी अच्छाई है या कोई उसको अवार्ड मिला हुआ है उसको जो है हम अपना जीवन का चलते चलते अननेसेसरी जो है लक्ष्य बना देते हैं। हमारे पास साधन नहीं है तो भी हम लक्ष्य बना देते हैं। तो सबसे पहले साधनों को खड़ा करो। इसका मतलब ये है कि हम वो ग्रुप जो है तभी जो है हम बना पाते हैं जबकि जो है हम उसके अंदर पूरी दिलचस्पी लें। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो कामना त्याग है ये जो है आदमी को मुक्ति की ओर ले जाता है। और जब व्यक्ति के भीतर कामना नहीं रहती है, शेष नहीं रहती है, तो वो आत्मा जो है वो शुद्धता की ओर ज़्यादा जाती है, वो अक्रिया बन जाती है। हमारी शुद्ध आत्मा बिल्कुल अक्रियाशील है लेकिन फिर भी जो है वो इतना पावरफुल है और उसको जो क्रिया में जो डालने वाला है शरीर रूपी जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको जो क्रिया में डालता है, क्योंकि ये जो है अपने कर्मों के भुगतान के हिसाब से द्रव्य क्रम के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को आज के जो है वो सदन के सामने खुला करते हैं, हम इसको डायलॉग के रूप में खुला करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर जो है वो कामना त्याग से कामना त्याग ही सच्चा त्याग है, इस दृष्टि से जो है वो हमारे व्यक्ति को क्या लाभ होगा और हमारा समाज कैसा बनेगा, हमारा राष्ट्र और विश्व कैसा बनेगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ जो दुख होता है वो जीवन के अंदर कामना आने से ही होता है। और कामना भी दो तरह की होती है, एक तो प्रशस्त कामना होती है और एक अप्रशस्त कामना होती है। जो प्रशस्त कामना होती है वो हमें सिद्ध बुद्ध और मुक्त की ओर ले जाती है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, वो हमको प्रतीति कराती है 100%, भूल गए हैं तो पुनः याद दिलाती है। और उसके प्रतीति के बाद के अंदर जो 15% जो है हमको जागृति हमारा लक्ष्य है उसको भी पुष्ट करती है और हमारा लक्ष्य निरंतर आगे बढ़ता रहे और बढ़ करके हम संपूर्ण जो है अपने कॉजल बॉडी को समाप्त कर दें, ऐसी स्थिति जो है वो ये चलती रहती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और हमको फीडबैक मिल रहा है कि आप देख रहे हो और आपकी और हमारी तारतम्य तादाद में जुड़ा हुआ है। तो हम जो है ये चाहते हैं कि ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो आपके माध्यम से आगे बढ़े, क्योंकि हमारा जो चिंतन है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और वो सब लोग मुक्ति को प्राप्त हो, आपके प्रति बहुत बहुत मंगलमय। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि सही सोच,